नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की कॉफी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी को द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा वर्ष 2021 के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि रविंद्र कुमार ने दो बार अलग अलग रास्तों से संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले वो देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं और एवरेस्ट पर दो बार चढ़ाई करने वाले चंद भारतीयों में उनका नाम शुमार है। उनकी कॉफी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी में एवरेस्ट की दुर्गम यात्रा की चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। इस कॉफी टेबल बुक में हिमालय की प्राकृतिक छटा का अत्यंत मनोरम चित्रण किया गया है जो का सराहनीय जा रही है। इस कॉफी टेबल को देखने से माउंट एवरेस्ट यात्रा की जीवन अनुभूति होती है। इस पुस्तक में प्रत्येक चित्र के साथ विवरण भी दिए गए हैं जिससे पाठक स्वयं को एवरेस्ट की भौगोलिक स्थिति से पूर्णतः संबंध महसूस करता है। ये कॉफी टेबल जाने माने पब्लिशर ग्लूमसबरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस कॉफी टेबल बुक में पब्लिशर द्वारा विशेष तरह के पेपर का उपयोग किया गया है जिससे लोगों को हिमालय की छटा का असली आभास होता है। इस बुक की प्रस्तावना परम पूज्य दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई है तथा पैच और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विनीत सरन, भारत के निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, पूर्व अटॉर्नी जनरल पैच, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सेराबाजी, जलपुरुष और रेमन मैग्सेस अवार्डी राजेंद्र सिंह, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ, गायक उदित नारायण आदि विख्यात हस्तियों ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की है। ये पुस्तक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और प्रमुख बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। काफी टेबल बुक को सम्मानित करने वाली संस्था द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जेनेवा से एफिलिएटेड है और देश के समस्त प्रमुख प्रकाशक इसके सदस्य हैं। इस फेडरेशन द्वारा अत्यंत सीमित पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष आर्ट एंड कॉफी टेबल बुक श्रेणी में माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी कॉफी टेबल बुक का चयन किया गया है। दिनांक 17 सितंबर 2021 को वायरस रिगल द क्लेरीज नई दिल्ली में उक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।